दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 60100 में स्वागत है। दोस्तों आज हम 60 वर्ड प्रति मिनट से एडिक्टेशन देखेंगे। अगर आपको यह एडिक्टेशन पसंद आए तो आप डिक्टेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ
संसार के 29 राष्ट्रों ने जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे यह घोषणा कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं